नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है न्यू ओवलटेक। दोस्तों, 4 साल बाद आई हुई भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव करके रेलवे ने कई कैंडिडेट्स के साथ में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार जो भर्ती आई है उसमें कई कैंडिडेट परेशान हैं, क्योंकि उनकी एज जो है वो ओवर एज हो चुकी है, जिस कारण से वो ग्रुप डी और लोको पायलट के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस पूरी न्यूज़ में मैं चर्चा करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों बने रहें और न्यूज़ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। तो चलिए दोस्तों बने रहें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को सब्सक्राइब करें और घंटे का बेल आइकन दबाएं, जिससे हम जो भी नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। और वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक न्यूज़ चैनल में आज की ताज़ा खबर, कल की ताज़ा खबर, हर हमेशा यही बनी हुई ताज़ा खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साहब, रेलवे परीक्षा की उम्र 30 साल से घटाकर 28 साल क्यों की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि रेलवे ने आखिर में किया क्यों है, क्योंकि रेलवे ने 4 साल के बाद तो वैकेंसी निकाली है, उसमें भी सीट इतनी है, लेकिन हम आवेदन करें तो कैसे करें, आप सभी के बहुत सारे सवाल है। तो दोस्तों कई लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं मीडियाओं पे बातचीत हो रही है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ आ रहा है कि छात्रों का कहना है कि इतने साल के बाद रेलवे की वैकेंसी आई और उम्र सीमा 30 से घटाकर 28 कर दी गई है। तीन से चार साल से तैयारी कर रहे छात्रों की नींद उड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत दुख हुआ है आप सभी के लिए, वे बहुत परेशान हैं, उनकी संख्या हज़ारों में है, ये सभी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। रेल मंत्री इनसे एक बार मिले तो पता चलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ में साफ साफ बता रखा है कि इन नौजवानों का दर्द कितना गहरा है। 3 फरवरी 2018 को सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकाला, सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए 26,502 पदों की वैकेंसी आई। इस बार फॉर्म भरने की उम्र 30 से घटाकर 28 कर दी गई। 2014 में इसी पद के लिए जब भर्ती निकली गई थी, तब उसकी अधिकतम उम्र की सीमा थी 30 साल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झटका लगा है इस बार आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। और एक और बात है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यही नहीं, इस बार फॉर्म भरने की फ़ीस 500 रुपये की रखी गई है। 2014 में जब वैकेंसी आई थी, तब फॉर्म भरने की फ़ीस 40 रुपये थी, 40 रुपये का फॉर्म 460 रुपये महंगा हो गया, जबकि आवेदन ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन में तो सस्ता होना चाहिए मगर हो गया महंगा। हर बार के फॉर्म में लिखा होता है कि सीट की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो इस बार भी लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं, हर मीडिया में आप देख सकते हैं, हर मीडिया की न्यूज़ में देख सकते हो आप। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो के नीचे इस बटन को जरूर दबाएँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।